ना प्रोफेसर राम गोपाल यादव कितने मिनट हैं? जब बंद कर देता बंद हो जाना। धन्यवाद श्रीमान। श्रीमान ये जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट संबंधी संशोधन विधेयक आया है, ये कई कारणों से बहुत ज़रूरी भी था। हालांकि विवाद शुरू से ही रहा है, जो सुषमा जी ने शुरू में ही कहा 47 में, चाहे वो रेड क्लिफ एग्रीमेंट हो, चाहे बाद में नेहरू नून समझौता हो, और बाद में ये 74 वाला समझौता हो, इस दौरान यहाँ ये समझौता होना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे ऐसे टापू बन गए थे कि हिंदुस्तान के लोग रह रहे हैं लेकिन चारों तरफ बाउंड्री बांग्लादेश की है, कहीं बांग्लादेश के लोग रह रहे हैं और चारों तरफ बाउंड्री इंडिया की है, तो बहुत ही वो अननेचुरल था बंटवारा, तो डिमार्केशन होना तो ज़रूरी था। लेकिन यहाँ एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद निरंतर हमारे देश की सीमाएं सिकुड़ती जा रही हैं। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी देश के लिए ये सबसे दुखद चीज़ होती है कि उसकी सीमा छोटी हो जाए। कश्मीर में एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान दबाए हुए, चीन बहुत बड़ी आबादी पर पहले ही कब्जा कर चुका है और आए दिन अरुणाचल प्रदेश को अपना प्रदेश कहकर खुलेआम जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जाने को हों तब वो उस तरह की बात करते हैं, ये रोज़ बातें होती हैं। तो सीमा को लेके विवाद तो हैं, लेकिन ये एक हमारा मित्र देश था, हम लोगों की वजह से, भारत सरकार की वजह से, भारत के सैनिकों की वजह से ये एक बांग्लादेश बना था। बहुत बलिदान करना पड़ा हमारे लोगों को भी, और जो थोड़ी बहुत ये दिक्कतें थीं और उसमें आपने राज्य सरकारों को का सहयोग ले लिया, समर्थन ले लिया, उनके बिना तो ये कोई मतलब ही नहीं था। अगर वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट के, वहाँ की जनता के सहयोग के बगैर ये विधेयक लाया जाता तब भी गलत होता, मेघालय त्रिपुरा और असम से भी न पूछा जाता तब भी गलत था, क्योंकि सीमाएं तो उन्हीं राज्यों की थी। कुल मिला के है देश की सीमा, लेकिन अफेक्टेड होने वाली जो लोग हैं वो उन्हीं देशों के थे, उन्हीं राज्यों के थे। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो लोग इन टापुओं से, जो मान लीजिए बांग्लादेश में हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, बांग्लादेश में पहुँच जाएंगे, वो इधर आना चाहेंगे, उनके व्यवस्था क्या करेंगे आप? यहाँ से जो उधर जाएंगे उनको कैसे भेजने की व्यवस्था करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही 71 में बहुत बड़े पैमाने पर बांग्लादेश के लोग यहाँ आ गए, उनमें से बड़ी आबादी, बहुत बड़े संख्या में लोग हैं, वापस गए ही नहीं। तो इन टापुओं से जो बांग्लादेश, हिंदुस्तान की सीमा में आएंगे जो टापू जिसमें बांग्लादेश के लोग रह रहे हैं, ये वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और जो हमारे लोग उधर से आएंगे, हिंदुस्तान के लोग, उनके रिहैबिलिटेशन की व्यवस्था क्या होगी? जब आप जवाब दें तब ज़रूर इस बात का व्यवस्था करें। एक अच्छा समझौता कर रही हैं, एक सीमा पर अनावश्यक रोजाना का विवाद होता है वो खत्म हो रहा है, मैं इसलिए इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद राम गोपाल जी, धन्यवाद।